So this is daily math problem for 17th May. The question is based on binomial theorem. So question में अगर आप देखेंगे तो कुछ भी concept बहुत simple है. एक formula use करना है जो पता ही होगा आपको. लेकिन calculation है. कैसे बना के answer लेके आना है वो इसमें interesting है. तो इसमें हम देखते हैं क्या है. पहले in the expansion of 1 plus x to the power n, a, b, c are the three consecutive terms. Three consecutive coefficients हैं. तो coefficient क्या होते हैं 1 plus x to the power n में. तो आपको expansion तो पता ही है. इसमें ये होता है summation n c r, you know, x to the power r. Yeah, the r varies from 0 to n. ये है. तो ये coefficient है इसके अंदर. Three consecutive coefficient की बात करनी है तो मैं ले लेता हूँ n c r या n c r minus 1, n c r, n c r plus 1. तीन consecutive हमने coefficient ले लिए. अब मुझे n निकालना है इसके अंदर. n in terms of a b c निकालना है. तो मुझे अब देखो मेरा एन सी आर ओवर एन सी आर माइनस वन का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे आना चाहिए, एन माइनस आर प्लस वन बाय आर. सो टाइम बचता है जो डिराइव करना पड़ेगा. और वो मुझे क्या है, सेकेंड टर्म बी गिवन है, फर्स्ट टर्म ए है. ये रिलेशनशिप आ गई. पहले दूसरी मैंने सेम फॉर्मूला लगा दिया, एन सी आर प्लस वन ओवर एन सी आर. कंजिगरी टर्म्स की रेशियो ले रहा हूँ, सेम फॉर्मूला लगा ये वाला. बस यहाँ आर की जगह आर प्लस वन हो गया. एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन इक्वल टू, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म है, राइट. थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म है, सेकंड कंजिक्यूटिव टर्म है. ये मेरा सी बाई बी हो गया, क्योंकि मैं गिवन है क्वेश्चन में ये ए है, ये बी है और ये सी है. ये गिवन है क्वेश्चन में. फर्स्ट टर्म फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी. नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी हैव टू एलिमिनेट आर एंड फाइंड एन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी. तो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया. दो इक्वेशन है, उसमें एक एलिमिनेशन करना है, किसका, आर का, एन निकालना है. तो अगर दोनों में हम स्ट्रक्चर देखेंगे जो सॉल्व करने का तरीका है, पहले तो हम इसमें हम आर निकालेंगे फिर हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं. तो पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको देखो माइनस आर यहाँ आ रहे हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया. मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, मैं कैलकुलेशन की साइड में करूँ, लेट्स मेक सम स्पेस हेयर, आई डू इट हेयर. तो मैंने इसमें क्या करा है, इसको मैंने एन प्लस वन बाय आर लिखा लेफ्ट साइड को, और राइट साइड में जो ये माइनस वन बचा उसको उधर ले गया हूँ बी बाय प्लस वन, राइट. और फिर यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया इसका, एन प्लस वन बाय आर इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय ए. यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये भी आर प्लस वन है, ये भी आर प्लस वन है, टेक आर प्लस वन बिलो आर प्लस वन, ऐसे बाकी अलग कर लिया. तो बचा यहाँ पे एन प्लस वन ओवर आर प्लस वन, और मैं एक स्टेप में कंबाइन कर रहा हूँ. यहाँ जो माइनस वन आएगा मैं राइट साइड पर ले गया, एलसीएम भी ले लिया, सी प्लस बी डिवाइड बाई बी, ये आ गया. अब मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो n प्लस वन गया, r आ जाएगा. बस इनको डिवाइड करा, डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर r प्लस वन आ गया एलसीएम लेके, नीचे आ रहा है, और डिवाइड करने से ये आ गया, यहाँ से b ऊपर चला जाएगा, b टाइम्स a प्लस बी डिवाइड बाय a टाइम्स b प्लस सी, ये आ गया. चेक कर लेना चाहिए, ठीक आ रहा है, यस. डिवाइड करेंगे तो या दैट्स फाइन, ये आ गया. यहाँ से मैंने फिर अब देखो, अब यहाँ से मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, वन प्लस वन बाय आर इसको सेम रखा, और फिर मैंने वन को राइट साइड पे ले गया हूँ, वन बाय आर इक्वल टू वन को राइट साइड पे लेने के बाद इधर ले गया वन पे, एलसीएम ले लिया, यू नो एलसीएम लेने के लिए ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा माइनस ए बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी प्लस सी, कि मैंने वन को इधर लेने के बाद मैंने एलसीएम ले लिया, हाँ माइनस वन आ जाएगा फिर एलसीएम ले लिया, ये आ गया. तो इसमें हम ए बी कैंसिल कर सकते हैं, ये देखो. नाउ अब वन बाय आर, अब देखो एन की फॉर्म में लाना है, वन बाय आर आ गए यहाँ पे, ये देखो आप इस वाली इक्वेशन में देखो आप यहाँ से, राइट, वन बाय आर को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, एन प्लस वन ऑलरेडी है, यहाँ वन बाय आर को रिप्लेस कर दिया. वन बाय आर यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइड बाई ए टाइम्स बी प्लस सी, मैंने वन बाय आर को यहाँ रिप्लेस कर दिया, और ये है ए प्लस बी बाय ए, इसको सेम रखा, ये ए से ए कैंसिल, बाकी सब इधर ले गया हूँ मैं. तो यहाँ से n प्लस वन मेरा क्या आ गया, n प्लस वन इज ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी. नाउ n क्या आएगा, वन को उधर ले गया, एलसीएम ले लिया, बस ये करना है आपने. इसको ओपन भी करना है क्योंकि आंसर में से फैक्टराइज फॉर्म मैंने ओपन किया, तो यहाँ से ए बी की टर्म आएगी, एक बी स्क्वायर की टर्म आएगी, एक ए सी की टर्म आएगी, और एक बी सी की टर्म आएगी. यहाँ से एलसीएम लेंगे तो माइनस वन जब करेंगे तो एलसीएम लेके आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी. तो ये अब देखना है, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए सी ए सी कंबाइन होकर टू ए सी आ गया, और क्या आएगा, टू ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आया है. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी ध्यान से. तो आंसर होगा ये टू ए सी के, या बी आंसर.
राइट, तो क्वेश्चन में दो इक्वेशन बना के आर ओ एन में आर को एलिमिनेट करके एन निकालना है, क्वेश्चन ये था। तो फॉर्मूला एक तो हमने यूज़ किया है, यू नो एन सी आर ओवर एन सी आर माइनस वन इज एन माइनस आर प्लस वन बाय आर, ये मेन तो फॉर्मूला यूज़ किया। बाकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है कि उतना फैलाना है कि आप संभाल पाएँ, अगर इतना फैला दिए संभाल नहीं पाएंगे तो मुश्किल होगी।